लखनऊ से मुंबई तक आज प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में हैं। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के बाद मोदी अब महाराष्ट्र को सौगात देने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई को कई गिफ्ट देंगे। मुंबई वालों को आज दो नई वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। मुंबई को प्रधानमंत्री मोदी लिंक रोड की सौगात देंगे। इसके अलावा आज मुंबई को अंडरपास का गिफ्ट भी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लखनऊ से मुंबई तक प्रधानमंत्री मोदी आज फुल एक्शन में हैं। मुंबई में सबसे पहले आज वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचेंगे, जहां वो दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स का पीएम मोदी को उद्घाटन करना है। मुंबई आने से पहले प्रधानमंत्री लखनऊ में थे, जहां उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से सीधे वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जिन दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं, अब आपको उनके बारे में बता देते हैं। इनमें से एक वंदे भारत ट्रेन मुंबई से सोलापुर के रूट पर चलेगी, दूसरी वंदे भारत ट्रेन को मुंबई से शिरडी साईनगर रूट पर चलाया जाएगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस ट्रेन के सफर करने वाले लोग बेहद खुश हैं। शिरडी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन से नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट देखिए। देश को दो नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ ही देर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके बाद ये अपने सफर के लिए निकल पड़ेगी। ऐसे में जो तमाम यात्री हैं वो ट्रेन से यात्रा करने के लिए पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिन दो ट्रेनों की शुरुआत हो रही है उसका सफर CST से सोलापुर और CST से शिरडी की तरफ जाएगा। तमाम यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी यात्रा के लिए बहुत पहले ही तैयार हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो 9वीं और 10वीं जो हैं वो ट्रेन यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग कहाँ शिरडी तक जा रहे हैं? हाँ, शिरडी तक जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे नई ट्रेन के बारे में, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छी ट्रेन है, सब अच्छा है, ऐसा लग रहा है एकदम। सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है और नीचे चार्जिंग पॉइंट सब दे दिए और वॉशरूम भी अच्छा है। तो पहले शिरडी जाने के लिए बहुत वक्त लगता था, तो पहले कैसे जाते थे और अब ये क्या अब यही प्रेफर करेंगे आप लोग? यही करेंगे। बहुत अच्छी ट्रेन है, स्पीड मतलब ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है तो अच्छे जल्दी पहुँचेंगे, इसके लिए ये ट्रेन अच्छी। और तमाम यहाँ पर जो यात्री मौजूद हैं कुछ बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ, क्या कुछ कहेंगे, कैसी लग रही है ये ट्रेन आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। शिरडी जाने में पहले बहुत वक्त लग जाता था, लेकिन अभी ये कितना समय आप लोगों का बचा पाएगी? अभी इससे तकरीबन 1 या 2 आवर का सेव होगा। पहले जो ट्रैवलिंग था उसमें काफी स्टॉपेज थे, अभी ये काफी कंफर्टेबल जर्नी और जल्दी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री के हाथों ट्रेन को इनॉग्रेट किया जा रहा है। यस, डेफिनेटली इट विल बी ऑनरेबल मोमेंट फॉर अस। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है, इस ट्रेन में मौजूद है? दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ऑलवेज फाइंडिंग कि हम लोग ग्रीन इंडिया, ग्रीन व्हीकल्स, दिस इज द ग्रीन जोन। ये एक तरह से देखा जाएगा तो दिस ऑफ टर्न अराउंड ऑफ द जनरेशन के बेसिस में किया है। आप लोग यात्रा करने वाले क्या कुछ कहेंगे ट्रेन के बारे में? ट्रेन तो ऑसम लग रहा है, एकदम फील फ्लाइट, एकदम फ्लाइट वाला फीलिंग दे रहा है। अच्छा, शिरडी पहुंच रहे, साई बाबा के चरणों में सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। पहले ज्यादा वक्त लगता था, अब आप लोगों का वक्त तो नॉर्मल हाफ डे, मतलब हाफ टाइम हो गया पूरा। ये ट्रेन के मदद से तो हाफ टाइम में बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, पहली यात्रा इस नए ट्रेन से होने वाली है आपकी? ये ट्रेन का बेनिफिट क्या है कि जो साईं के भक्त है सुबह सुबह 6:30 बजे के ट्रेन CST से पकड़ेंगे तो 3 या 3.5 घंटे के बाद शिरडी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे। दोपहर को 12:30 बजे वहाँ दर्शन करके तुरंत शाम को 5 बजे रिटर्न आ सकते हैं। जो साई के जो भक्त है उनका जो फ्रीक्वेंसी इससे वजह से बढ़ जाएगी। शिरडी के साई बाबा की बात करें तो करोड़ों लोग हर साल वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक सौगात के तौर पर आई है। सर क्या कुछ कहेंगे, बहुत खुश नजर आ रहा है आप लोग नए ट्रेन में? मैडम, नए भारत की शुरुआत है और हम बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा आप लोग भी खुश लग रही हैं, नए ट्रेन की शुरुआत हो रही है, साई बाबा के चरणों में जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? साई बाबा के चरणों में जा रहे हैं, नई ट्रेन चालू हुई है तो हम दर्शन करके आएंगे, बाबा के दर्शन कर लेंगे वहाँ पे। परिवार के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, आप स्पेशल चेयर के पास बैठी हैं, क्या कुछ? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुविधाएं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये ट्रेन के कम दूरी में मतलब कम समय में लंबी दूरी तय करने वाला ये मात्र सही जरिया निकल, मतलब सही ट्रेन निकल। तो शिरडी तक जा रहे हैं, लास्ट स्टॉप तक जा रहे हैं आप लोग? जी जा रहे हैं। और तो मेरा मतलब एक है, एक रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से एक ये सुविधा कर जाए कि शिरडी का जो दर्शन टिकट है वो ट्रेन के साथ अटैच कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ से ट्रेन में आएंगे डायरेक्टली यही टिकट दर्शन दिखा के बाबा के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत सारे वो पैसेंजर्स की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आपको तस्वीर दिखाएं नए वंदे भारत ट्रेन की, तो यहाँ पर जो इंटीरियर है, जो डिज़ाइंस है, वो दूसरी ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए गए हैं, डिज़ाइंस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। और ऐसे में चाहे शौचालय की बात करें, चाहे पेंट्री किचन की बात करें, तो सारी सुविधाएं भरपूर यहाँ पर दी गई हैं और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जब भी कोई यात्रा करेगा तो स्पेस के लेकर यहाँ पर कोई चिंता नहीं है। बस कुछ देर की बात होगी जब प्रधानमंत्री के हाथों इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।